Hey everyone and welcome to a brand new video. ये video बहुत ही ध्यान से देखना और बहुत ही ज़रूरी video है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि aviation industry को join करने के लिए केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए कोई भी कोर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्पेसिफिकली क्लास 12th के बाद. तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखना. वैसे पहले मैं अपने बारे में बता देता ताकि तुमको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों तुम तक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा रहा हूँ. तो मेरा नाम है अमित और इस चैनल का नाम है योर एविएशन गाय और मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से एविएशन इंडस्ट्री में हूँ एंड एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा हूँ. बहुत ही क्लोजली सारी चीज़ों को मैंने देखा है एंड ये चीज़ों के बारे में जो है स्पेसिफिकली ये कोर्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, इसीलिए तुम तक अपना जो ओपिनियन है उसको पहुंचा रहा हूं. वैसे जो इन द एंड डिसीजन जो है वो तो तुम्हारा ही है कि तुमको क्या करना है, बट वीडियो को पूरा जो है एंड तक ज़रूर से देख लेना, हो सकता हो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमको मिल जाए. और एक छोटी सी चीज़ यार, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू वॉन्ट, तो वो ज्वाइन बटन दबा के मेरे को तुम और ज़्यादा सपोर्ट जो है वो कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो. सो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. क्लास 12th के बाद बहुत सारे यूथ जो है वो एकदम से दिशाहीन होते हैं कि हमें करना क्या है. तो यहाँ पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स के जो बैकएंड टीम होती है, जो कॉल सपोर्ट वाली टीम होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो वो आपके पास फ़ोन करते हैं और आपको बताते हैं कि देखो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हो तो हम जो है तुम्हें 6-figure सैलरी यू नो फर्स्ट मंथ से दिलवाना स्टार्ट कर देंगे. बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और ये सच भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. बट यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशंस को इस वीडियो में मैं पूरा खोल के रखने वाला हूँ. अभी सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्या हम क्लास 12th के बाद एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं? द आंसर इज येस, यू कैन ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री बट ओनली एज अ केबिन क्रू. आप एज अ ग्राउंड स्टाफ नहीं ज्वाइन कर सकते हो. अब केबिन क्रू के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ग्रूमिंग, हाइट, वेट, ये सारी सब चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. इसके बारे में फ्री कंटेंट यूट्यूब पे धड़ल्ले से अवेलेबल है, किसी एक की भी वीडियो उठा लो, सब में यार तुम्हें यार सेम इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है. तो क्लास 12th के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जो एविएशन के रिगार्डिंग तुम्हें ट्रेनिंग देती है इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. अगर तुम वही पैसे को अपने ग्रेजुएशन में इन्वेस्ट करो तो यार आगे जाके तुम्हें बहुत फ़ायदे होने वाले हैं. बिकॉज किसी किसी जगह पे ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है ना कि जहाँ पे सब चीज़ें मैच कर रही हो तो लास्ट में एडुकेशनल बैकग्राउंड को जो है एक कंसिडरेशन में लिया जाता है कि किसका एडुकेशनल बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वहाँ पे आई एम डैम श्योर कि ग्रेजुएट का एडुकेशनल वेटेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज़ कम्पेयर टू अ 12th क्लास. लेकिन क्योंकि नौजवान भटके हुए रहते हैं तो वो इन इंस्टीट्यूट के झमेले में पड़ जाते हैं. लेकिन किसी भी एयरलाइंस के रिक्रूटमेंट में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया रहता है कि यू नीड टू हैव एन IATA कोर्स, you need to have a diploma, you need to have a diploma in aviation or hospitality, ऐसा तो कहीं mention ही नहीं रहता है. तो फिर क्या ज़रूरत है यार ये कोर्स करने की? और यहाँ पे जो सारी चीज़ें सिखाई जाती है किसी भी कोर्स में वो तो तुम वैसे ही एयरलाइंस में जाके सीखने वाले हो. जो एक एविएशन इंस्टीट्यूट तुम्हें सिखाएगा वो एक बेसिक सा चीज़ होगा और जो एक एयरलाइंस तुम्हें सिखाएगा वो उस एयरलाइंस का एकदम से स्पेसिफिक एंड इन डिटेल चीज़ होने वाला है. तो विच वन इज़ मच मोर नेसेसरी? आई बिलीव द एयरलाइंस वाला पार्ट. तो इसीलिए ये सारी चीज़ों में अपना टाइम और पैसा वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है यार. YouTube पे तुम्हारे पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से चीज़ों को सीखो, अपने आप को ग्रूम करो एंड जाओ इंटरव्यू देने के लिए. और लोग BBA इन एविएशन करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं. लोग डिप्लोमा इन एविएशन करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं. लोग IATA के सर्टिफिकेशन के लिए कोर्सेस करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं. बट क्या ज़रूरत है? कहीं पे तुमने किसी भी एयरलाइंस के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वहाँ पे देखा है दैट वी नीड एन IATA सर्टिफाइड स्टाफ? अगर फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है. अगर एक्सपीरियंस्ड को हायर कर तो येस दे नीड सर्टिफिकेट्स, क्योंकि वो जिस भी एयरलाइन से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी इशू की जाती है मेरे भाई. तो ये चीज़ों को जो है ध्यान में रखो. तो इसीलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर मत वेस्ट करो ना जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बहुत लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि यार हमें पता ही कैसे चलेगा, क्योंकि सपोज़ हमें कोई दिशा नहीं हमारे पास कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है,
सो हाउ विल वी गेट टू नो, हाउ विल वी गेट टू नो अबाउट द इंटरव्यूज, या फिर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? नोटिफिकेशंस को पढ़े इंटरव्यू के, वहीं पे सारी चीज़ें दी रखी होती है कि तुमको क्या क्या रिक्वायर्ड है एक ओपन डे इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, या फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यूट्यूब पे इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, क्या करोगे? पैसे खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? अगर आ रहा है तो कुछ मेरे पे भी खर्च कर देना, वरना यार इस फ्री वाले कंटेंट का इस्तेमाल करो ना। कितनी अच्छी जगह है यूट्यूब, से तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ए टू जेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। 50,000 ब्लॉगर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एविएशन और लाइफस्टाइल एंड यू नो हायरिंग वीडियोस, फलाना ढिमकाना के ऊपर वीडियोस बनाते। कनेक्ट विद देम ना, नॉलेज को बढ़ाओ, पैसे वेस्ट करके नहीं, फ्री का जो कंटेंट है उसको इस्तेमाल करके। अगर तुम्हें इस वीडियो में से थोड़ी सी भी सीख मिले ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड विद दैट सेड, दिस इज़ योर एविएशन गाय साइनिंग ऑफ।